हेलो एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर के पराठे, जो कि बहुत ही यमी और हेल्दी हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मटर के परांठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मटर। तो मैंने एक बड़ा बाउल है ये, इसे लिया है मटर। और इसके साथ साथ हमें चाहिए इसके लिए आटा। तो मैंने 1 से 1.5 कप मैंने आटा लिया है। और इसके साथ साथ मैंने एक बड़े साइज का प्याज है, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और ये देखिए, मैंने लिए हैं कुछ लहसुन, और ये अदरक है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और हरी मिर्चें हैं 2, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये है हरा धनिया, और कुछ है ड्राई मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1/2 स्पून खड़ा धनिया, और 1 स्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और ये है हींग और ज़ीरा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो ये देखिए, आटे में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। इसका जो भी स्टफिंग वाला परांठा हम बनाते हैं ना, तो उसकी जो डो तैयार करते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइट हुआ तो अब जब आप इसकी परांठे बनाएंगे तो वो फट जाएगा। चलिए, जब तक आटा सेट हो रहा है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो ये देखिए, अब मैं डालूंगी इसमें हींग, जीरा, खड़ा धनिया, और इसको हम हल्का सा कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें, अदरक और ये लहसुन, इनको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। डालेंगे इसमें प्याज, और इसको भी हम भून लेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे ये मटर। ये देखिए, अब हमें मटर को भी पकाना है, और इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें ये हरा धनिया। मिर्च और ये धनिया पाउडर, और अब हमें इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। तो चलिए, अब गैस को कर लेते हैं बंद, और इसको 1 मिनट के लिए ठंडा करके इसका हमने दरदरा पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए, चलिए इसका अब हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसका दरदरा ही बनाना था पेस्ट। तो चलिए इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका मटेरियल तैयार है। तो चलिए अब अपना हम आटा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इस पे लगाऊंगी हल्का सा ऑयल, और इसको हम थोड़ा सा और मस लेंगे। तो ये देखिए, डो तैयार है, और देखिए कितना लचीला है, हमें ऐसा ही डो चाहिए था। तो चलिए अब परांठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसका एक छोटा सा डो लूँगी, ये देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से मसलते हुए इसको हम आटे में डस्ट करेंगे, और हल्का सा इसे बेलेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 स्पून फिलिंग, और इसको इस तरह से साइड से उठाते हुए इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे।
ये देखिए, और इस तरह से ऊपर का जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम रख देंगे, और ये देखिए फिर से इसे हम आटे में डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से, ये देखिए। अब एक बार इसको हाथ से इस तरह से दबा देंगे हम और हल्का सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। ये देखिए बिना फटे हमारा परांठा बनके तैयार है। तो ये देखिए, तो चलिए इसे सेक लेते हैं हम। ये देखिए मैंने तवा गर्म कर लिया है और इसको अब हम तवे पे डाल देंगे। देखिए दूसरी साइड से भी ये देखिए बहुत अच्छा सिक चुका है। और अब आप इसमें जो भी आप यूज करते हैं खाने में आप उसे यूज करिए। मैं इसके लिए राइस ब्रैन यूज करती हूँ तो मैं राइस ब्रैन लगा रही हूँ। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसमें ऑयलिंग कर देंगे। ये देखिए कितना फूला फूला परांठा बना है ना। तो ये देखिए कितना बढ़िया परांठा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी के परांठे भी बना लेते हैं। ये देखिए इसे भी सेक लेते हैं। तो ये देखिए इसका एक साइड पक चुका है तो इसे मैं आराम से पलट लेती हूँ। तो ये देखिए दूसरा साइड भी बहुत अच्छे से पक चुका है और इस पे भी हम ऑयलिंग कर लेंगे। और ये देखिए दूसरा परांठा भी कितना अच्छा फूल चुका है। ये देखिए दोनों साइड से परांठा बिल्कुल क्रिस्पी परांठा बनके हमारा तैयार है। तो चलिए इसी तरह से सारे परांठे बना लेते हैं। देखिए हमारे मटर के परांठे बनके तैयार है। और ये देखिए मैं आपको इसके अंदर की स्टफिंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया अन फिलिंग हुई है इसकी। ये देखिए एक एक कोना अच्छे से भरा हुआ है। आप इसे अपनी किसी भी मनपसंद सब्जी, मक्खन या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।